हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टा टेक। आज दोस्तों आपको ब्लाउज की गले में पाइपर लगाना बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ये देखिए दोस्तों, हमने ब्लाउज बना के रेडी कर लिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको दोस्तों गले में पाइपिंग लगाना बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो की स्टिचिंग देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ हम गले में पाइपिंग लगाना बताएंगे। पहले हम खर्चा लेंगे ब्लाउज का, उसमें पट्टी कटिंग करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको गले में पाइपिंग लगाना बताएंगे। ये दोस्तों हमने खर्चा ले लिया है, ये हमारा ब्लाउज में बचा हुआ कपड़ा है दोस्तों, जो कटिंग करने के बाद बचता है दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें हम और एक पट्टी कटिंग करेंगे। ऐसे दोस्तों कपड़ा हम खींच के देखेंगे, ये हमारा और है, तो इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा और कपड़ा है एकदम, ये खींच रहा है तो हमारा एकदम और है। इसको इस तरीके से पलटेंगे और 1.5 इंच के लमसम में दोस्तों पट्टी कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी दोस्तों पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये दोस्तों हमने दो पट्टी कटिंग कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब इनमें हम जोड़ लगाएंगे, इस तरीके से दोस्तों जोड़ लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे, हमारा जोड़ लग जाएगा। यहाँ से दोस्तों इतना कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी कपड़ा जो हमारा है कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरीके से खींच के देखेंगे, ये हमारी दोस्तों और ये भी खींच रही है। ये दोस्तों हमने पट्टी एकदम सीधी जोड़ ली है, ठीक है दोस्तों। और हम ब्लाउज उठाएंगे, ब्लाउज का दोस्तों इस तरीके से गला पकड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इस तरीके से मशीन से लगाएंगे। ये दोस्तों हमारा ब्लाउज सीधी तरफ है और पट्टी को भी दोस्तों सीधी तरफ इस तरह से रखेंगे सीधा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों 1 इंच बाहर निकाल के पट्टी को रखेंगे इस तरीके से। और दोस्तों जो हम कपड़े का मार्जिन लेंगे वो पैर के बराबर से कपड़ा चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कपड़ा हमारा पैर के बराबर से चलना चाहिए और पट्टी को ना दोस्तों हल्के से इस तरीके से खींचेंगे, बिल्कुल हल्का सा खींचेंगे, जिससे कि हमारी पाइपिंग खींची हुई लगे। हमारा अगर पाइपिंग खींची हुई लगेगी दोस्तों तो गला हमारा नहीं गिरेगा, जो कंधे गिरने की शिकायत होती है दोस्तों वो हमारी नहीं होगी, अगर हमारी पाइपिंग अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हाथ इस हाथ से दोस्तों कपड़ा एकदम ऐसे सीधा रखेंगे, करते हुए जाएंगे और हल्की से इस तरीके से पट्टी खींचेंगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं खींचनी। अगर ज़्यादा खींचोगे तो हमारे नीचे वाले कपड़े में जो ब्लाउज का कपड़ा है दोस्तों उसमें झोल पड़ जाएगी। तो इस तरीके से पूरे गले में हल्की से खींचते हुए पट्टी लगा देंगे और मार्जिन हमारा पैर के बराबर से ही चलेगा, जिससे कि हमारा एकदम अच्छी पाइपिंग बने। ये देखिए दोस्तों, हमने एक जैसा मार्जिन लेके पट्टी लगा ली है। ये दोस्तों जो पट्टी हम कटिंग करते हैं इसको गले के हिसाब से नाप लेते हैं कि हमारी पूरे गले में बैठेगी या नहीं बैठेगी, ठीक है दोस्तों। आपके एक भी जोड़ आ सकता है, अगर कपड़ा आपका ज़्यादा है तो एक जोड़ आएगा, अगर कम है दोस्तों तो 2-4 भी जोड़ आ सकते हैं। ये दोस्तों हमारा कपड़ा ज़्यादा था तो एक जोड़ आया पट्टी में दोस्तों। अगर आगे दोस्तों आने वाली वीडियो में हम कम कपड़े में पाइपिंग कैसे बनाएं दोस्तों, वो भी हम वीडियो आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। आने वाले दोस्तों वीडियो में इससे कम कपड़े में भी पाइपिंग निकालना आपको बताएंगे। अब इस तरीके से दोस्तों नाखून की मदद से इसको इस तरीके से नाखून लगा लेंगे पूरी पट्टी। नाखून जो लगाते हैं दोस्तों पट्टी की तरफ मार्जिन करके नाखून लगाते हैं इस तरीके। ठीक है दोस्तों, ये हमने नाखून लगा लिया, हमारा थोड़ा सा साफ हो गई है, फिनिशिंग आ गई, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से हम
पट्टी के बराबर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये दोस्तों हमारा जो मार्जिन है ना, ये दोस्तों हमारा मार्जिन है, तो इसी के बराबर से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका एक जैसा मार्जिन लेके सिलाई लगी होगी तो अपने आप ही ये कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम कच्ची सिलाई लगाएंगे इतनी दूरी पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मैन सिलाई का कपड़ा मुड़ा है यहाँ से, और इतनी दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मोड़ के। अच्छे से दोस्तों इस तरीके से कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे। जो हमारा मार्जिन दोस्तों पट्टे में इस तरीके से दबना चाहिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कपड़े मार्जिन के बराबर से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और पूरे पट्टी में सिलाई लगा लेंगे कच्ची। अब यहाँ से दोस्तों ये हमने कपड़ा कटिंग कर लिया है, अब इसको भी इसी तरीके से पट्टी के बराबर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और ऐसे ही दोस्तों कपड़ा फोल्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमने कच्ची सिलाई लगा ली है पूरी पट्टी पे, एक जैसी हमारी पट्टी फोल्ड हुई है, जितना हमने मार्जिन लिया था उसी हिसाब से मोड़ते गए और अच्छे से दोस्तों हमने सिलाई लगा दी। अब इस तरीके से पलटेंगे इसको अच्छे से कैंची के मदद से दोस्तों, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे सिलाई के बराबर से, इस तरीके से ध्यान से कटिंग करेंगे दोस्तों। कहीं पता चले कटिंग करने के चक्कर में हमने नीचे कपड़ा कटिंग कर दिया, इसलिए अच्छे से कटिंग करना है दोस्तों, ध्यान से। हमारी तो आदत है तो दोस्तों तो एकदम से ही कटिंग कर देते हैं, लेकिन आप दोस्तों कटिंग करें तो अच्छे से कटिंग करें। इस तरीके से उंगलियों से हम नीचे पता करते जाएंगे, जिससे कि हमारा नीचे का कपड़ा ना कटे, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तरीके से इस पट्टी को ना इस तरीके से एकदम से इस तरीके से बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो अपने आप ही इस तरीके से कटिंग होती जाएगी। जैसे हमारी दोस्तों इधर को मोड़ रही ना पट्टी, तो इस तरीके से हम कर लेंगे पट्टी को, अपने आप ही कटिंग करते जाएंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारा कपड़ा भी नीचे का नहीं कटेगा इस तरीके से। दोस्तों हमने एक जैसा मार्जिन कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों ये सिलाई जो हमने लगा रखी है, ये जो कच्ची सिलाई लगाई है, इस तरीके से दोस्तों अंदर की तरफ से उल्टी तरफ से दोस्तों इस तरीके से थोड़े थोड़े इसमें पूरी पट्टी में कट लगा लेंगे सिलाई में, एक एक कट लगा देंगे दोस्तों सिलाई में, एक एक यानी कि टांका तोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, पूरी पट्टी में इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कट लगा लिए। अब इस तरीके से दोस्तों हम पाइपिंग बनाएंगे, इस तरीके से पाइपिंग फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इतनी अच्छी जितनी आपको अच्छी लगे उसी हिसाब से दोस्तों पाइपिंग इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और कपड़ा देखो हमारा दोस्तों इतना बाहर निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब जो सिलाई लगाएंगे एकदम जड़ में लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड हो रहा है, यहाँ पर जड़ में पूरी सिलाई लगाते जाएंगे, ऐसे पाइपिंग निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने शुरुआत करी है, यहाँ पर हमने पक्का कर लिया है जिससे कि हमारी पाइपिंग ना खुले। अब इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे पाइपिंग को, और हम नीचे सिलाई लगाएंगे एकदम जड़ में, पाइपिंग की जड़ में दोस्तों सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब इस तरीके से दोस्तों लास्ट में भी अच्छे से एकदम जितने हमने शुरू में मोड़ी थी फोल्ड कराती पैकिंग, उसी तरीके से लास्ट में भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम पक्का कर देंगे जिससे कि हमारी पैकिंग ना खुले। ठीक है दोस्तों, इस ये देखिए दोस्तों हमने पाइपिंग बना ली अच्छे से पूरे में। ठीक है दोस्तों, एक जैसी पाइपिंग बन गई हमारी, और ये देखिए दोस्तों ये हमने देखो दोस्तों ये खींच के लगाई है, तो इसलिए खींच के पाइपिंग इसलिए लगाई जाती है। जैसे दोस्तों हम पहनेंगे तो इस तरीके से नीचे की तरफ झुक रही है ना, इस तरीके से नीचे की तरफ खिंचाव मार रही है, तो इसलिए दोस्तों हमारा गला बिल्कुल गिरने की शिकायत नहीं आएगी अगर आप खींच के पाइपिंग लगाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसे खोल लेंगे,
ये देखिए दोस्तों, सिलाई खोलने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से दोस्तों धागे को तोड़ेंगे। अब दोस्तों ऊपर वाला इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाला हमने धागा तोड़ दिया, अब अंदर का ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर वाले को इस तरीके से पकड़ के तोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर ऊपर वाले को इस तरीके से पकड़ेंगे, तोड़ देंगे, और अंदर वाले को इस तरीके से खींच के तोड़ देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम पूरी सिलाई खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सिलाई खोल ली है पूरी पैपिन की, ठीक है दोस्तों। ये खोलने के बाद ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है दोस्तों। और आपको दिखा देते हैं गला हमारा कैसा आया है। ये देखिए दोस्तों, हमने ये पैपिन लगाई गली की, तो हमारी एकदम अच्छे से बैठ गई है फिनिशिंग पे, ठीक है दोस्तों। और पीछे से भी दोस्तों इस तरीके से हमारा गला बैठा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और अंदर से दोस्तों हमारा एकदम एक जैसा मार्जिन है। ये देखिए दोस्तों, अंदर से भी हमारा एक जैसा मार्जिन है, एकदम जैसे हमने दोस्तों अच्छे से फोल्ड करा है, तो हमारा एकदम अच्छे से फोल्ड है, ठीक है दोस्तों। अगर आप पट्टी बनाते टाइम अच्छे से बनाओगे तो पाइपिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।